ग्वालियर जिले में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बता दें कि हरियाणा से आए शातिर ठगों ने एटीएम मशीन पर पहुंचे एक युवक का एटीएम बदलकर ठगी का यह प्रयास किया, लेकिन युवक की सतर्कता से आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल ग्वालियर के मोहना निवासी बेअंत सिंह बीते दिनों सेंट्रल बैंक के एटीएम पर 5000 रुपए निकालने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने एटीएम बूथ में प्रवेश किया तो एक युवक उनके पीछे पीछे अंदर आ गया और कुछ ही सेकंड बाद एक अन्य युवक भी आधमका। बेअंत सिंह को शंका हुई और उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की मोबाइल टीम वहां पर पहुंची, दोनों युवक वहां से भाग खड़े हुए। वहीं बदमाशों को पकड़ने के दौरान उनके पीछे लगे चिनौर थाना प्रभारी की कार हादसे का शिकार हो गई है। हालांकि इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि आरोपी हरियाणा की गैंग से जुड़े हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस मोहना थाना क्षेत्र में जो एक बेअंत सिंह नामक एक युवक था 25 वर्षीय, वो सेंट्रल बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गया हुआ था। फर्स्ट टाइम वो एटीएम में गया हुआ था। इसी बीच में दो युवक आए और वो भी एटीएम के अंदर घुसकर पैसे निकालने का नाटक करा उन्होंने, और इसका एटीएम जो है उन्होंने उस मशीन में इसकी चूँकि एटीएम कार्ड पूर्व से डाला हुआ था, उन्होंने अपना भी डाल के और इसका एटीएम कार्ड चोरी करने का प्रयास किया। इसको डाउट हुआ तो इसने उनको रोका और रोक कर उनको पूछताछ करने का प्रयास किया, तो वो पास में उनकी एक गाड़ी थी हरियाणा पासिंग, उसमें बैठ के वो भागे। युवक ने जो है तत्परता से थाना मोहना को सूचना दी कि इस प्रकार की घटना हुई है उसके साथ, और युवक ने पीछा भी किया। युवक का भाई भी दूर बुलेट मोटरसाइकिल पे था, उसने भी उसको इन्फॉर्म करा तो भाई ने भी पीछा किया, और मोहना पुलिस द्वारा पीछा करते करते वायरलेस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बताया गया, SP सर को बताया गया, और ज़िले में नाकाबंदी की गई। जिस रूट से वो जा रहे थे जो बदमाश थे वो आरोन थाना क्षेत्र में घाटी गांव से आरोन थाना क्षेत्र में एंटर हो गए, तो वहाँ की पुलिस द्वारा लगातार नाकाबंदी व घेराबंदी की गई। तो करैया थाना क्षेत्र में जो है आरोपी जो है पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर गाड़ी छोड़कर खेत में भाग गए। गाड़ी जो है पलवल हरियाणा की है, गाड़ी को पुलिस द्वारा जब्त किया गया और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।